कह रही है कि जितने भी बीजेपी लेजिस्ट्रेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कटौती की है, तकरीबन 17 रूपया तक की। नहीं, मैं ये इस कटौती को अगर हमें देखना होगा ना तो क्रमागत रूप में देखें कितने की बढ़ोतरी हुई है, पीछे छोड़ दीजिए बीते 10 महीने में कितने की बढ़ोतरी हुई है और कितना रिलीफ दिया। ये फैसला क्यों हुआ पता, उपचुनाव में जो फासला हुआ ना इनका जीत से, और जहां जीते भी वहां जो जीत का अंतर है उसने इनकी नींद उड़ाई है। इनके एक सीएम तक ने कहा हिमाचल के कि हम महंगाई की वजह से आ रहे हैं। लाख बार हर व्यक्ति कहता रहा कि डीजल पेट्रोल की कीमतों का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, लेकिन आप सुनने को तैयार हैं। मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग, गरीब, अब उसकी थाली की साइज देखिए साहब, अब सब्जियों की कीमतें देखिए, सरसों तेल की कीमतें देखें, तो जाहिर तौर पर सरकार को सरोकार से चलना चाहिए। अगर आपको ये लग गया कि सरोकार को कुंद करके जमींदोज करके भी आप वाहवाही लुटेंगे तो मुबारक हो, जनता बहुत देर तक वाहवाही वाले कतार में नहीं होती। हमने सब यह उत्थान में उसमें बहुत जरूरत से ज्यादा दिए जलाए गए, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी उसका नाम आया। क्या इस वक्त दिवाली में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस तरीके की, देखिए मेरा सीधे तौर पर मानना है आप 12 लाख दिए जलाएं, कोई तीर्थ यात्रा प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन इन सबको सोचना चाहिए कि अप्रैल मई जून के महीने में लाखों लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, हमारे अपने, हर व्यक्ति ने किसी न किसी को खोया, और वो किस वजह से, सरकारों की नाकामी की वजह से। अगर इस दीपावली हम उन्हें स्मरण करते, अंधेरे में प्रकाश का मतलब क्या होता है, ये तमाशा करिए आपको यही आता है, लेकिन लोगों की स्मृति में जो दर्द है ना उसके लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया, अब तो उसको डिनाई करते हैं आज भी सरयू गंगा में बहती लाशों को लेकर के। चलिए अभी कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं, लेकिन इतिहास सवाल पूछेगा और वो आपको कहां खड़ा रखेगा ना हम सब जानते। साथ ही कब्रिस्तान में तक पैसे खर्च करती थी और अब की सरकार है जो कि मंदिर और अपने सांस्कृतिक कार्यों में। मैं तो सीधे तौर पर मानता हूं कि इस व्यक्ति को जिनका नाम आदित्यनाथ जी है, इनका दर्शन ही बहुत छोटा है, उनकी जो पूरी वैश्विक जो जिसको कहते हैं ना कि वर्ल्ड व्यू वो बहुत संकीर्ण है, वो मठ के दायरे के अनुपात में भी बहुत संकीर्ण है, ये शमशान कब्रिस्तान से ऊपर जा ही नहीं सकते। नतीजे में क्या देखा हमने, लाखों लाशों को गंगा में सरयू में बहते देखा, चुप दिखे मिस्टर आदित्यनाथ उन दिनों में। जरा मैं उनसे पूछूं रोजगार के लिए आपने क्या किया था, आपने अस्पतालों में कितना खर्च किया। असल में ये जो एक नई राजनीति का जन्म हुआ है, मैं तो कहता हूं भगवान करे ऐसा हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम पृथ्वी पर आ जाए, सबसे पहले आदित्यनाथ जी जैसे लोगों को कहेंगे कि हमारे नाम पर आडंबर और पाखंड बंद करो। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार, मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।